आज हम बनाने जाएंगे काजू कतली। काजू कतली की डिलीशियस मिठाई। ये काजू ली है जो रीच नट्स है काजू, और ये काजू 1 कटोरी ली है 250 ग्राम, और ये शुगर ली है, ये शुगर ली है 80 ग्राम, ये मिल्क पाउडर लिया है 40 ग्राम। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी अरिहंत का बेटर होता है। ये काजू जो 1 कटोरी ली थी ना, उसको पहले तो अपन मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद उसको ऐसे पूरे अच्छे से निकाल लेंगे। पूरी ऐसी होनी चाहिए वो, ठीक है। सी इसको फिल्टर करने के लिए छन्नी ली है, आटा छन्नी है। आप कोई सी भी आपके घर पे हो तो ले सकते हो, आटा छन्नी तो अवेलेबल रहती ही है। और इसको ऐसे स्मूथली रब कर दो तो वो सारा निकल जाएगा नीचे। ये जो पानी था ना, उसके अंदर शुगर मिक्स करके चाशनी बनाई है, ठीक है। और इसको फिर हिलाते जाओ। इसको लो फ्लेम में कर दो और फिर देखो ये बन के रेडी हो गई है। सी दिस, ये बबल्स आ जाते हैं ना तो बन जाती है चाशनी। और इसको और खुशबू भी। इसको गरम गरम टच मत करना वरना हाथ जल जाएगा। ये फिर सब आप इसके अंदर धीरे धीरे करके डाल दीजिए। ये सारा डालने के बाद इसको धीरे धीरे हिलाएं लो फ्लेम पे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे करना अच्छे से। अब इसमें 1 चम्मच घी डालना है आपको। और फिर इसको धीरे फिर से धीरे ये इतनी इलायची ले लेना और इसको ग्राइंड करके इसमें डाल देना। देखो 1 चम्मच है, फिर से इसको कंसिस्टेंटली हिलाना। जो दूध पाउडर लिया था इसको अब इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको पूरा मिक्स कर लेना है इसके अंदर अच्छे से ऐसे, ठीक है। अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है, अच्छे से हिलाना है, पूरा अच्छे से हिलाओ उसको पहले तो। इसको अच्छे से ऐसे निकाल लेंगे एक पेपर पे और फिर पूरा इसको फैला दो जैसे हम जैसे, ठीक है। अच्छा पूरा कर दो इसको। इसको अच्छे से हिलाओगे ना तो वो ऐसे गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद उसको ऐसे गोल रोटी जैसा कर लेना, बेलन फेरना उसको ऐसे हल्की हल्की धीरे धीरे। अगर आपका बीच में से फट रहा है तो वहां पे बेलन फेरोगे तो ठीक हो जाएगा, पर राइट साइड का तो ठीक है चलेगा। इसको अपन चाकू से कट कर लेंगे पूरा पीसेस में, जैसी अपनी मार्केट काजू कतली की रहती है ना उस स्टाइल से, ठीक है। सी देखो, और अगर आपके पास बटर पेपर या फिर सिल्वर पेपर नहीं हो तो आप थाली में भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे इसको अच्छे से पूरा निकाल लेंगे। अच्छे इसको ऐसे अब स्क्वायर पीस में अच्छे से काटेंगे। देखो जैसे ऐसे एक एक करके अच्छे से काट लेंगे। आप स्केल रख दीजिए आपके पास हो तो, या फिर जो भी आपको बेटर लगे वो रख दो। उसको चाकू से पूरा एक एक करके काट लीजिए। ऐसे काटेगा, पहले तो आपने ऐसे काटी थी, अब इसको इस साइड में काटना है, ठीक है। ऐसे पूरे अच्छे से, तो वो अपनी काजू कतली मार्केट स्टाइल वाली बन जाएगी पूरी। ऐसे सब लाइन से काट लेंगे। अगर आप स्केल रख के काटते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बिना स्केल से काटते तो भी अच्छा है। ये स्क्वायर में काटने के बाद सारी मार्केट स्टाइल काजू कतली रेडी है, बस इसको अब खाने की देर है। ये हमारी मिठाई अब तैयार है, खाइए। हैप्पी दीपावली।